सत्संग हमेशा बैठ के ही सुनना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों की वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन इस मन को मनाने, नियंत्रण, कंट्रोल में करने की युक्ति किसी ने नहीं दी। ये तो कलयुग में अमृत मालिक पधारे, जिन्होंने अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1,000 वर्ष के लिए सतयुग लाने का संकल्प लिया और कहा इतने दिनों में जिन सुरतों जीवात्माओं को नाम की युक्ति दी है इन सबको जगाकर और इनको नाम जहाज पर बैठालकर इनको इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और इतना बड़ा वादा इस मृतलोक मंडल में न किसी संत महापुरुष ने किया है और न ऋषि मुनि योगी महर्षि और अवतारी शक्तियों ने किया। जो समय के समृत मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया और ऐसा समृत मालिक समय से आपको मिले। आपने उनको अपना गुरु बनाया लेकिन पहचान नहीं पाया, उनकी कोई पहचान तुम्हारे पास नहीं। जब इस तरह का समृत मालिक कभी आया नहीं और ऐसी दया जब किसी ने की नहीं तो हम सबको अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब विचारणी विषय है, इसको सबको विचार में रखना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर से शुभ विचार चला जाएगा तो तुम कैसे पहचानोगे? एक एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह ये मतलब कार्यक्रम रखा गया था, आज उसका अंतिम दिन है। 22, 23, 24 मार्च 2015 और मुक्ति दिवस तो जो था वो तो कल का आपका कि जीवों की मुक्ति कैसे होगी, इन जीवात्माओं को नजात कैसे मिलेगी, ये काल माया के देश से कैसे अपने घर मुकाम को जाएंगी, इनको पहुंचाने ले जाने वाला, मालिक से मिलाने वाला कौन महापुरुष होगा, जो जिसने एक मुक्ति का दिन निर्धारित किया 23 मार्च मुक्ति दिवस। सारे हिंदुस्तान में कहा था बच्चा ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, कलयुग का ऐसा इतिहास होगा। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने समय के इतिहास को पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा वो चमत्कारी, इतना बड़ा चमत्कार होगा जिसको भारत ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तो आपको तो सोचना चाहिए, जब इस तरह का महापुरुष कभी आया नहीं, ऐसी हमदर्दी किसी भी जीव पर की नहीं, ऐसी व्यवस्था इस काल माया के देश से छुटकारा दिलाने की किसी ने बनाई नहीं, और तुम फिर भी नहीं समझ पाए अपने मालिक को,
यही है काल का दांव। काटा बच्चा, ये काल माया का देश है, बहुत होशियारी के साथ रहना। किसी के देश में, किसी के राज्य में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में रहकर तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। वो जब चाहेगा तब कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देगा। तो ये सब आपको चेतावनी क्यों दी गई थी, होशियारी के साथ रहने की? चेतावनी वही देगा जो जगा हुआ होगा, जिसने सारा रहस्य राज को समझा जाना होगा, वही चिता सकता, वही जगा सकता। लेकिन तुमने उनके वचनों पर कोई गौर ख्याल नहीं किया, सब धोखा हो गया। संत वचनों के बारे में पहले लिख के रख दिया गया ताकि आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी ये भूल भ्रम संदेहों में न फंसने पावे। तो आपको तो पहले ही चेतावनी रखी गई है कि और कोई आएगा तो भ्रमित भी कर सकता है, छलबल भी कर सकता है, धोखाधड़ी वादा खिलाफी भी कर सकता है। लेकिन संतों के बारे में क्या लिखा है? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य, कोई नहीं काट सकता। संतों के बारे में बहुत लिखा है लेकिन तुमने किसी लेख को पढ़ा ही नहीं। लिखा है कि संत दरस जिम पातक करी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता, केवल दर्शन करने से। और यहां जिनको तुम भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण हो, उन्होंने किसी भी पाप करने वाले व्यक्ति को माफ नहीं किया। उनका इतिहास बताता है कि भगवान राम ने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। क्या हो गई उनसे अपराध? धोखे में एक श्रवण कुमार भक्त की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे से हुई, भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुमने अपने मानव जीवन में कितनी हत्याएं की हैं, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो, तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान का इतिहास तो सजा सुनाने का। यह है काल भगवान। इस सृष्टि पर दो भगवान, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान का काम मारना और मतलब सजा देना, और संत दयाल इनका काम है माफ करना और बचाना। तो तुम ऐसे भी नहीं समझ पाए हो। तो तुमको काल चाहिए कि दयाल चाहिए? इतने जुर्म किए हुए बैठे हो और काल की बस्ती में तुम डिंडोरा पीट रहे हो, काल की जय जयकार करते हो, जो तुम्हारा एक भी पाप कर्म को माफ नहीं कर सकता, सजा देने का अधिकार उसको। और संत माफ करने के लिए आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से। यहां अगर कोई कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी भी ज्ञानी हो, आप उसको 1 करोड़ रुपए पकड़ाओ, कह दो 1 करोड़ रुपए लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, कर सकता है? अरे ये काम किसी के बस का सृष्टि में है? जब भगवान नहीं कर पाया तो ये इंसान क्या कर सकता? और तुम इसी में भ्रमित हो गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, सब खत्म कर दिया तुमने। उसके संतों के बारे में इसीलिए लिखा गया है कि मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कलयुग के समस्त पापों को कौन दूर करेगा, माफ करेगा? कहते जब संत दयाल देश से आएंगे। जो दयाल देश से आता है, सतपुरुष के हुकुम आदेश से
उसी को संत सदगुरु कहते हैं। बाकी संत सदगुरु यहां कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, या कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनाती, ना कोई संघ संगठन बनाता है। वो सत्पुरुष जब जैसी आवश्यकता जरूरत इस काल माया के देश में जीवों के लिए समझता है, तब तैसे गुरु संत सदगुरु को वहां से बना के भेजता है। ये यहां बनाए नहीं जाती, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इतने दिन मथुरा जाते रहे, सत्संग भी करते रहे, दर्शन भी करते रहे, सेवा भी पकड़ाते रहे, प्रचार भी करते रहे, और नाम नाम देकर लेकर सुमरण ध्यान भजन भी करते रहे, लेकिन समझ में आपकी कुछ नहीं आया। सब शंका ही शंका, भूल भ्रम संदेह ही निकला और कुछ नहीं निकला। तो क्या आप इसीलिए मथुरा जाते थे? काम बनाने के लिए जाते थे कि बिगाड़ने के लिए जाते? जीवात्मा के कल्याण के लिए गए थे कि जीवात्मा को दोजख और नरकों में डालने के लिए गए थे? किस लिए आपने गुरु की शरण ली थी? तुम्हारी यही समझ में नहीं आया। सब विचारणी विषय है यह सब। संतों के बारे में इसीलिए भगवान राम ने भी कहा, मैं तो आपसे पूछने आया हूं, क्या भगवान भी झूठ बोलता है? अरे चलो इंसान समझकर तुमने कह दिया गुरु झूठ बोल गए, लेकिन संतों के बारे में जो भगवान राम ने कहा, क्या ये भी झूठ? क्या कहा उन्होंने? कि हमारे बादशाह ने परे चहे फीका, पसंत है बचाने ये पत्थर के लीका। हमारे बचनों में हेरा फेरी हो सकती है, ये भगवान राम कह, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, व्यवस्था बदलने के लिए आएगा, उसका एक एक वचन पत्थर की लकीर होगी। ये भी तुम्हारी, क्या भगवान भी झूठ बोलता है? तुमने तो किसी को माना जाता और अपने लिए आपने मुसीबत खड़ी कर ली। अब तुमको पाप कर्मों से कोई माफ देने वाला है? तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने वाला और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इसको इसके घर पहुंचाने वाला है कोई? ये काम कौन कर सकता है? ये सब आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हारे अंदर उपकार भक्ति भक्त भक्ति और भगवान भक्त भक्ति और भगवान ये जो भक्ति ये भक्त को भगवान से जोड़ने वाली, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं और बिना भक्ति के भक्त कहलाता। भक्ति का मतलब अपने भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति निस्संदेह अर्पण कर देना ही भक्ति। क्या आपने गुरु भक्ति की? क्या आपने को निस्संदेह निस्वार्थ बिना कामना के बिना शंका संदेह भूल भ्रम आपने गुरु को आत्मसमर्पित भाव से, क्या उनके आदेश से तुमको मानते हो? तो अपने लिए धोखे तैयार किए बैठे तो परमात्मा को केवल राम ही के वल भक्ति प्यारी और संशय तो के मिटावन हारी। परमात्मा को भक्ति, किसकी भक्ति? गुरु भक्ति। बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते, भगवान भी मिलता है तो किसी माध्यम से किसी आधार वेद से मिलेगा। कहते बिना गुरुभक्त के न तो गुरुभक्ति पकेगी और न वो भक्त गुरु परमात्मा से मिल सकता, क्योंकि परमात्मा के जान सी
जानकार भेद बताने वाले गुरु ही की भक्ति स्वतंत्र सदा सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति करने में कोई जात पात, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर, कोई पढ़े लिखे अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसर्जन, कोई स्त्री पुरुष का कोई रगड़ा झगड़ा, केवल मानव तन चाहिए और निर्मल शुद्ध मन और जीवात्मा चाहिए, भक्ति को चाहिए। भक्ति के लिए कोई सामान की जरूरत नहीं। ये तो आप जड़ भक्ति करते हो, जिसको पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब जब गंगा स्नान कहते हैं, ये है जड़ भक्ति। जिसको तुमने देखा नहीं अपनी आंख से, उनकी वाणी तुमने सुनी नहीं, ना तुमने अपना कोई काम उनसे करवाया है, उनको मान्यता देना, ये जड़ भक्ति है। और चेतन भक्ति क्या है? चेतन जीवात्मा है और परमात्मा, दो चेतन बाकी है, सब जड़ है। ये जो देख रहे हो सब जड़, इस जड़ को जो चेतन बना दे उसे जीवात्मा कहते हैं और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। और जितने लोग बैठे सब ये स्त्री और पुरुष खोल तुमने नाम दे दिया बाहर, लेकिन परमात्मा ने जब ये खोल शरीर बनाया तो बिल्कुल एक समान, थोड़ा सा अंतर कर दिया, वो माया काल ने उसी में तुम फंसे पड़े। वो स्त्री कह रहा पुरुष और स्त्री पुरुष कह रही, दोनों एक दूसरे में फंस गए, बल्कि अंदर में जीवात्मा एक ही। जीवात्मा तो स्वतः स्त्री ली गई, इसका मतलब सारी सृष्टि में स्त्रियां ही हुई। जब यही जीवात्मा मनुष्य शरीर में, यही जीवात्मा स्त्री शरीर में, यही पेड़ों पौधों में, यही मतलब यानी पशु पक्षी कीड़ों मकोड़ों में है, तो सब यानी उस दृष्टि से तो सब स्त्रियां ही, केवल एक पुरुष है सत्पुरुष, वो सत्पुरुष बाकी सब स्त्रियां। उसी सत्पुरुष के हुक्म से संत सदगुरु आते हैं, इन जीवात्माओं को इन स्त्रियों को नाम का आधार पकड़ा करके अपने प्रीतम मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं। और ये काम कोई नहीं कर सकता सर, तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। भगवान राम खुद कहते हैं कि भक्तिवंत चाहे नीचो प्राणी और प्राण सम प्रिय मम सुन वाणी। भक्ति करने वाला किसी छोटी मोटी कौम जात का हो, परमात्मा कह रहा हमको प्राणों से ज्यादा प्यारा है। और भक्ति हीन बिरंचे की बिना होई और सम जीवो सम प्रिय माम सोई। अगर भक्ति से हीन है, ब्रह्मा विष्णु महादेव ही क्यों ना हो, हमको साधारण जीव के समान प्यारा है, ये परमात्मा का वाक्य। तो बिना गुरु के क्या भक्ति कर सकते हो? तो भक्ति कैसी करो? चुपके भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही दीपोए। मेहंदी का पेड़ देगा अपने हरा, पत्ती भी हरी होती है, जब सिर पर रगड़ पड़ती कसौटी तब भी हरी रहती, लेकिन बाद में अपना रंग छोड़ती है, जो उसके अंदर छिपा हुआ लाल रंग, वो जब सिर पर कसा जाती कसी जाती, बना बगैर कसौटी के रंग असलियत हकीकत को नहीं पाया जा सकता है। और जब कसौटी की जाती तब खरा खोटा समझ में आ जाता, एक कसौटी गुरु ने की तब खरे खोटों की पहचान हो गई।
कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है, कौन गुरु का आशिक है, कौन गुरु की संपत्ति धन दौलत मान सम्मान गति का आशिक है, आपकी पहचान एक ही टेस्ट में हो गई। देखिए यह महापुरुषों का विचित्र खेल, अपने लोगों की पहचान करने का। तो वैसे तो सभी भक्त दिखाई दे रहे, लेकिन संतों ने क्या लिखा, असली भक्त कौन, भाव भक्त भादो नदी सभी चली इतराए, और सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहराए, कामन भालो बरसात के महीने में। तब छोटी छोटी नाले नदियां भी अपने कहते हैं मैं नदी हूं, मैं नदी हूं, एकदम उफना के चल पड़ते हैं, कहते नहीं। अरे टेस्ट लेने के बाद जब जेठ का महीना आता है भीषण गर्मी का, जब उस नदी में पानी वो असली है, बाकी सब नकली है। तो बगैर परीक्षा के तो कोई चीज समझ में आती ही नहीं। देखे कहते कि छिप करो, कोई न जान सके। जब ये दौलत रुपया पैसा जेब के अंदर रखते बाहर तो नहीं कोई लटकाता, ये हमारा कोई चुरा न ले छीन न ले, इसको भी छिपा के रखते हो। ये जड़ जो ये जड़ माया, और जो चेतन है, चेतन धन आत्मी धन नाम धन का खजाना, जो समय के संत सदगुरु यानी मतलब बरसात करते जीवों के लिए, उसको तो छिपा के रखना चाहिए। और कहा था कि बच्चा किसी को बताना नहीं, ये तुम अपनी जीवात्मा के लिए, तुम्हारे लिए धन है, इसको छिपा के रखना, किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बता दिया उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। गुरु का ये आदेश किसी को बताना नहीं, और चेला कह रहा हमको नामदान देने को आदेश कर गए, तो गुरु ने किया ये पहले सब झूठ कहा था, तुम्हें खुद विचार करना चाहिए। और यही जो कह रहा कि हमको नाम पावर दे गए, यही जब समझाता था नामदान तब यही कहता था कि ये अखबार वालों इसको छपवाना मत नामदान को, और लिखा मिल जाए उसको ले लेना, और इसको याद कर लेना, और कागज फाड़ के फेंक देना, किसी को दिखाना नहीं। ये खुद कहता था किसी को दिखाना नहीं, अगर तुमने दिखा दिया बता दिया तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा, और नए व्यक्ति का कोई फायदा नहीं होगा। सबको समझाता रहा और अपना वही खुद काम करने लगा, ये अज्ञानता है। इसी को कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो वो विपरीत दिशा में ही काम करना शुरू कर देती है। ये गुरु वचन है, वह संतवाणी है, संत वचन अमर वाणी, बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। प्रेमियों आपने सबरी का नाम सुना होगा, कितनी ऊंची उच्च कोट की भक्ति करने वाली, जो जात की बहुत छोटी जात को उठे और एकदम काला रंग मतलब एकदम बदसूरत, कोई सकल सूरत नहीं है। अरे सकल सूरत ये चमड़े की देखते हो, लेकिन जीवात्मा वही जो तुम्हारे अंदर वही सबरी के अंदर थी। तो जब सबरी शादी करने के योग हुई, हर मां बाप को चिंता हो जाती जब बेटी सियानी हो जाती, तो उसके पिता ने सबरी के शादी के योग एक भील कुमार को तैयार ढूंढा। वो तो जंगल में आदिवासी जंगल में रहते थे, और जब जैसे बारात का समय नजदीक आने लगा तो उसके पिता जंगलों के छोटे छोटे जानवर पकड़ के इकट्ठे करने लगे, क्योंकि वहां भोजन के लिए कोई रसोई पकवान तो था नहीं, यही सब जीवों को मार के हिंसा। जब हजारों जीवों को पकड़ के लाया गया घर पे, तो देखो सबरी के अंदर एकदम विचार पैदा हो गया कि मेरी शादी का कारण इतने हजार जीवों की हत्या, ये तो अपराध मेरे पर लगेगा, क्योंकि मेरे कारण इतने जीवों की हिंसा होगी,
इतने जीव मारे जाएंगे, ये अपराध मेरे ऊपर है। उसने निश्चय कर लिया कि ऐसी शादी करने से क्या फायदा। उसने शादी न करने का निर्णय ले लिया और जब करीब दो चार दिन का समय रह गया तो घर से भाग के निकल पड़ी, भागती भागती जंगलों जंगलों। कई महीने के बाद मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, लेकिन सोच रही है मैं छोटी जात की हूं, काली कुबड़ी हूं और नारी जात, आश्रम पर रहना ठीक नहीं। तो पड़ोस बगल में एक पत्तों की झोपड़ी बना के रहने लगी, लेकिन सेवा भाव प्रधान था। ये असली चीज है अध्यात्म को पाने की, भक्ति कमाई किससे, सेवा से होती है। उसने जहां से ऋषि ऋषि कुमार जिस रास्ते थे सरोवर में स्नान करने जाते थे, उस रास्ते को रोज झाड़ू लगा देती और उसमें पानी डाल के धूल को बैठा देती। ये सेवा चोरी चोरी से रातों रात की थी और जंगल से लकड़ियां बीनकर उनके भंडारे में पहुंचा देती। ये सब गुप्त सेवा थी उसकी। देखो गुप्त सेवा का फल होता और तुम दिखा के देते हो, लिखा के देते हो, रसीद मांगते हो, प्रमाण मांगते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं है, व्यवहार का भाव है कि इसके बदले हमको कुछ मिलना चाहिए। तो सबरी नित्य ये गुप्त सेवा में तत्पर नहीं। एक दिन बेचारी रात में पकड़ी गई, क्योंकि ऋषि ऋषि कुमार सोचते थे भाई कौन ऐसा व्यक्ति जंगल में है जो निस्सार सेवा कर रहा है, जिसको कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, दिखाने बताने तक की इच्छा नहीं, ऐसा निस्वार्थी। इसको प्रेमियों कहते हैं प्रेमा भक्ति, निश्चल भक्ति। जब उसको पकड़ लिया ऋषि कुमारों ने, पकड़कर मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ऋषि बहुत खुश हुए कि बच्ची मैं तुम्हारी गुप्त सेवा पर बहुत प्रसन्न हूं और तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। जब आश्रम में रख लिया तो जो उनके चेले शिष्य थे वो उसे नफरत करते थे, उसका काला रंग देख करके, छोटी जात समझ करके नफरत करते थे, लेकिन गुरु प्यार करता था। गुरु की पकड़ अंदर जीवात्मा की है, अंदर में जो निश्चल प्रेम है, सेवा भाव है, उसकी पहचान है। लेकिन चेले इस राज को क्या जाने। तो कुछ दिनों के बाद मतंग ऋषि जी बहुत वृद्ध थे, तो सबको बुलाया, कहा आप देखो शरीर तो मेरा कमजोर हो चुका है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। यह सुनकर चेले तो बहुत खुश हुए कि चलो आश्रम का राजपाट हमको मिल जाएगा, लेकिन सबरी के आंखों में आंसू थे। गुरु का वियोग था कि मुश्किल से तो गुरु मिला, ये भी छोड़ के जा रहे हैं, उसके अंदर इतनी तड़प और भी रहे, वो आंसू भरे और बाकी सब चेले खुश थे। जैसे आज रब राजपाट धन दौलत मान सम्मान लूटने पाने वाले सब खुश हैं, लेकिन जिसको गुरु की तड़प है, जिसको अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना है, वो तो रात दिन आंसू बहाता है कि हमारी जीवात्मा का कल्याण अब कौन करेगा, क्योंकि लोगों ने प्रचार कर दिया गुरु चले गए चले गए। अब बेचारी सबरी जब रोने लगी तो मतंग ऋषि ने कहा शांत रहे, तेरे घर सबरी भगवान आएंगे। देखिए गुरु ने सांत्वना क्या दी, तू मत रो, तेरे घर भगवान राम आएंगे। ये खुश समाचार सुनकर जब शुभ समाचार गुरु के मुख से सुना तो उसका गम चला गया और उसी दिन से अपने भगवान का इंतजार करने लगी। अपने गुरु से ये नहीं पूछा किस तारीख में आएंगे, किस महीने में आएंगे, कौन से दिन आएंगे, कुछ नहीं पूछा और उसी दिन से अपने भगवान का इंतजार, यानी गुरु के आदेश का पालन, भगवान का इंतजार करने लगी। 12 वर्ष
उसने इंतजार किया। तुमने अपने मालिक का कितना इंतजार किया? एक मिनट भी नहीं। कोई इधर भग रहा, कोई उधर भग रहा, कोई उधर भग रहा। अरे इंतजारी ही अपने घर जाने की तैयारी होती है, तो मतलब बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। तो इंतजारी ही इतिहास बनाती है। अगर भगवान राम ने 14 बरस जंगल में इंतजार न किया होता तो कोई इतिहास नहीं बनता। वो तो भगवान था, चाहता तो कहीं बैठ के रावण को मार देता, लेकिन इतिहास नहीं बनता। इतिहास है समय की इंतजारी। और जिस महापुरुष ने कलयुग का इतिहास बनाने के लिए संकल्प लिया है कि ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यति, ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा चमत्कार होगा जिसको दुनिया नमस्कार करेगी, जिनका इतना बड़ा संकल्प, ना तुमने इतिहास से अपने के गुरु को पहचान पाया। अरे इतिहास तो अपनी मजबूती के लिए, इन लोगों ने कैसे पाया, कैसे काम किया, तो इतिहास पढ़ करके अपने में मजबूती आ जाती। और तुम्हारे सामने तो 3-3 युगों का इतिहास रखा, सतयुग त्रेता द्वापर का, तुमको तो शंका होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम देता है तुमने किसी युग के इतिहास का सम्मान किया ही नहीं। तुमने इतिहास का भी उपहास किया है, उसकी भी सजा मिलेगी। और वर्तमान में महापुरुषों के वचनों को नहीं माना, उसकी सजा अलग बनी पड़ी। तो तुमने सजा गुनाह के सिवा और कौन सा काम किया है? तो लेकिन सबरी अपने काम में तत्पर, गुरु का आदेश सिर माथे रखकर इंतजार कर रही भगवान राम का, और जो सेवा है वो बराबर कर रही। एक दिन ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने जा रहे थे, सबरी झाड़ू लगा रही थी, तो उसके तन का कपड़ा कहीं ऋषि कुमारों को छू गया होगा, तो बहुत गालियां दी। ऐ नीच छोटी जात की, ऐ कुरु कुटला, बहुत गालियां देके अपमान किया, लेकिन उसको तो ये कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। उसको तो अपने गुरु के वचन और इंतजार भगवान का, इसके सिवा उसके दिमाग में कुछ नहीं। जब वो सब सरोवर में स्नान करने गए तो सरोवर का रंग लाल बिल्कुल खोर हो गया। तब भी सबरी को ही दोष लगा रहे, अपनी कुटिलता पर दोष नहीं लगा रहे कि मैंने किसी गुरुभक्त का अपमान किया है, जिसको गुरु ने आदेश दिया रहने का, गुरु ने भगवान इसके घर आएगा ये भी इस तरह से इंतजारी का, उसका इन्होंने अपमान किया, उसकी सजा की। सरोवर भी नाराज हो गया, तुम मेरे में नहाने के योग्य नहीं हो, तुम किसी गुरुभक्त का अपमान करके आए हो, अपने गुरु भाई बहन का अपमान किया तुमने। लेकिन वो बेचारे अज्ञानी थे, वो सबरी पर ही दोष लगा रहे कि उसका कपड़ा छू गया, इसलिए सरोवर नाराज हो गया। जब 12 वर्ष का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वो पावन घड़ी इंतजारी की, इंतजारी के बाद जो चीज मिलती है वो कितनी महान होती है, कितनी सुखप्रद होती है, कितनी शांति देने वाली, सुकून देने वाली। जब ये प्रचार हुआ जंगल में कि भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, तो जो बड़े बड़े आश्रम ऋषियों ने बना के रखे थे, सब सोचा कि हमारा आश्रम बढ़िया है, हमारे आश्रम में भगवान आएंगे। वो कह रहा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, हमने बहुत सजाया है, सबके दिमाग में यही थी। लेकिन गुरुवाणी गुरु वचन कभी असत्य नहीं होते। मतंग ऋषि ने ये कहा, सबरी तेरे घर भगवान राम आएंगे। गुरु के वचनों के आधार पर सीधे चलकर भगवान राम सबरी के आश्रम ही पधारे, बीच में कहीं नहीं गए। सबकी तैयारियां धरी की सभी नहीं गई। क्या गुरु किसी की तैयारी में, क्या भगवान किसी की तैयारी में खुश है, या किसी राजपाट
मकान महल में रह के खुश है, वो तो प्रेम के भूखी है। कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, अगर तुम्हारे में प्रेम है जहां चाहो वहां तुम हमको बुला लो, प्रकट कर लो, लेकिन धन दौलत मान सम्मान जात बिरादरी में नहीं, यह सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में और तुमने समय के समृत माली भगवान को नहीं पहचान पाया। तुमको तो मुफ्त में मिल गए, कुछ नहीं किया आपने, न त्याग न तपस्या न नियम न संयम न घर गृहस्थी छोड़ा न परिवार बाल बच्चे न पति पत्नी न खेती दुकान दफ्तर आपने बंद किया। आपको घर बैठे परमात्मा पाने की युक्ति है, तो परमात्मा से मिलने की युक्ति किसने दी? समृत गुरु ने। उसी समृत गुरु को तुमने भुलाया है या तुम्हारा अपराध छोटा मोटा है? विचार करो आप थोड़ा सा। और वो सबरी 12 वर्ष सारे जंगल के पेड़ों का फल चक चक करके, कौन खट्टा कौन मीठा, यहां लोगों ने लिख दिया कि वो सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। अरे झूठे का मतलब है चक करके, जब 12 वर्ष शक्ति रही तो उसको पता नहीं चला किस पेड़ का मीठा किसका खट्टा है। तो मोड़ने वाले तो बहुत सब मोड़ देते हैं तब तक। जब सबरी के यहां पधारे, समरी बड़े प्रेम से फलों को दे रही है, ऐसा प्रेम देख करके राम ने कहा, हे निश्चल भक्तिन, हे प्रेमा भक्ति की खान धरो, ऐसा तो प्रेम कभी खाने में हमको अयोध्या में भी नहीं आया। मेरी मां कौशल्या ने भी इस तरह से प्रेम से कभी भोजन नहीं कराया। जो तेरे अंदर निश्चल भाव है निष्कपट, मैं तुम्हारी प्रेमा भक्ति पर बहुत खुश हूं। और सबरी मैं आज तुमको वो आशीर्वाद दे रहा हूं जो मैंने अपने किसी भक्त को नहीं दिया, न अंगद को न नलील को न मतलब यानी ज्यामंत को न हनुमान को न सुतीक्षण को न भीमीषण को न सुग्रीव को, मैं वो उस भक्ति का तुमको वरदान देने जा रहा हूं। तुम्हारी प्रेमा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा भक्त कोई कोई नजर आता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा विलासा, कोई ख्वाहिश और तमन्ना मुराद नहीं है, केवल अपने मालिक को देखने की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दया की भीख और संसार की कोई भीख नहीं। तो भगवान राम ने कहा, सबरी मैं तुम्हारी प्रेमा निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं वो भक्ति का उपदेश करने जा रहा हूं जो मैंने किसी अपने भक्त के लिए नहीं किया। तो क्या उपदेश था? नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, नौ द्वारों की। इस मनुष्य मंदिर में नौ दरवाजे हैं, नौ द्वार, दो आंख के, दो कान के, दो नाक के, एक मुंह, नीचे गुदा और इंद्री का। इन 10-9 दरवाजों को जिसने कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया उसके पास शक्ति का भंडार होगा, वही दर्शन दीदार कर सकेगा। तो क्या कहा है जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिख के बताया, सबरी पराति प्रसन्न है। होकर भगवान राम ने वो भक्ति का उपदेश दिया है जो किसी भक्त को अपने नहीं दिया। उन्होंने क्या लिखा है कि सबरी पहली भक्ति क्या है कि प्रथम है भाती ई संतन करे संगा और दूसरे राती मम कथा प्रसंगा। सबरी पहली भक्ति है संतों का साथ, जब संत मिलेंगे तो इस संसार नाशवान जगत का अंत बताएंगे, और जो सबसे अंत में सबसे ऊपर सतलोक है उस मंजिल का ज्ञान कराएंगे। उनकी पहली भक्ति है, और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग, अपने को भगवान ने कितने नीचे रखा और संतों के महत्व को कितने ऊपर किया। कि गुरु पद पंकज सेवा
और तीसर भक्ति अमान और चौथी भगत मम गुणगन और करे कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के आदेश हुकुम का पालन, ये गुरु की सेवा कहलाती है। हाथ पर दबाना सेवा नहीं है, रुपया पैसा चढ़ाना सेवा नहीं है, सेवा है उनके आदेश को सेवो यानी प्रतिपालन करो। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है अमान, कोई मान सम्मान, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा इच्छा विलासा ना हो, ये तीसरी भक्ति है। जो ये करेगा वो तीसरी भक्ति का अधिकारी है। आगे क्या है, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति है मेरा गुणानुवाद, कोई कामना कोई स्वार्थ लोभ लालच को अंदर में न रखे और करे, वो मेरी चौथी भक्ति पाने का अधिकार है। यहां भगवान की चर्चा सुनाने का पैसा पहले ही ले लेते, तय कर लेती है, रामायण सुनाऊंगा इतने रुपए, भागवत सुनाऊंगा इतने रुपए, इतनी मेवा लेंगे, इतना दूध पिएंगे, इतना चढ़ावा, सब पहले ही। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो भक्त नहीं है। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान, चौथी भक्ति का अधिकारी है मेरा गुणगान, कपट भाव को छोड़कर स्वार्थ लोभ लालच से अलग होकर करेगा वो भक्त चौथी भक्ति पाने का अधिकारी है। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भाजन सुबेद प्रकाश। जो संत महापुरुष जो गुरु मंत्र देता है उसका विश्वास के साथ सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी जीवात्मा को जगाता है वो पांची भक्ति करने का अधिकारी। कि छठ तमसी ले विगत बहु कर्मा और निरत निरा कर सज्जन धर्मा। शील क्षमा दया संतोष बिना विवेक ये धारण करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तिलांजलि दे करके जो भक्ति करता है वो मेरी पांची भक्ति का अधिकारी है, भजन करता है। देखो भजन का नाम आया लेकिन छठ दम शील विगत को करना, शील क्षमा दया संतोष बिना विवेक ये काम क्रोध लोभ मोह को मूर्छित करने वाली, इनके असर प्रभाव को कम करने वाले। और सातवीं भक्ति क्या है, कि सतमा साम मैं जग देखा और मुंह से आदि कै संत कर लेगा। भगवान राम क्या कह रहे हैं, सबरी सबरी सातवीं भक्ति है मेरे समान इस संसार को जानो। कि सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम मैं जोड़ी जुग पाणी। संपूर्ण मानव समाज को राममय, नारी समाज को सीतामय, जिसके अंदर ऐसे शुद्ध भाव विचार हैं वो मेरी सातवीं भक्ति करने का अधिकारी है। वो हाथ जोड़ना और पैर छूना सम्मान करने का अधिकार पाने वाला है। आठवीं भक्ति क्या है, एक एक देखो, एक एक कुकुर का विश्लेषण है। क्या कह रहे हैं, कि अठवां जाथा लाभ संतोषा और सपने वो नाई देखें पर दोषा। भगवान राम सबरी से कह रहे हैं आठवीं भक्ति सबरी क्या है, जथा लाभ, सुबह से शाम तक जो मालिक दे दे उसी को समझकर कि आज मेरे अधिकार में इतना ही था, ये समझकर संतोष करके जीवन यापन करता है वो मेरी आठवीं भक्ति करने का अधिकारी है। कि नव में सरल समुचल ही ना अम्म भरोसे ही हरसी नदीना। छल कपट प्रपंच और झूठ
धोखाधड़ी, बेईमानी, इन सब का परित्याग करके और मेरे भरोसे, मेरे को आधार बनाकर, मेरा सहारा, एकमात्र मेरा, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, जो एक को आधार बना लेता है उसकी नैया पार हो जाती है, वो भवसागर पार हो जाता है। जो तमाम नावों पर पैर रखा वो कैसे जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, नाव लगाई गुरु ने और भग गए एलो चेलों के पास, सब इनका क्या होगा बेचारों का। केवट मल्ला गुरु है सदगुरु, यानी नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर, कोई सूरवीर बैठेगा, सब नहीं बैठेंगे, उसकी भी परीक्षा आपके सामने हो रही, कौन बैठने वाला और कौन नाव को छोड़कर भगने वाला है। तब इधर इधर जरा सी आंधी आई स्वार्थ लोभ लालच की और राम को मतलब यानी बाहर करके उधर किनारे कर दिया। सब वट वृक्ष से नीचे शांति मिल रही थी, गुरु वट वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष होता है, तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करने वाला और जीवात्मा का उद्धार करने वाला। ऐसे कल्प वृक्ष को छोड़कर तुम यानी पेड़ समझ कर बबूल के नीचे बैठे हो, जहां कांटे ही कांटे, कुछ मिलने वाला नहीं। पेड़ तो है लेकिन बबूल का पेड़, जहां छाया नहीं और फल भी नहीं, कांटे के सिवा कुछ नहीं। तो आपने क्या समझा इतने दिनों में? तो प्रेमियों, इसलिए महापुरुषों ने कहा भक्त बनना और भक्ति करना दोनों कठिन है। कोई कोई बिरला भक्त होता है, भगवान राम के साथ सुग्रीव, नंदी, रंगत, जामवन सब लगे थे, लेकिन पूजा हनुमान की क्यों हो रही है? यह है गुरु भक्त का प्रमाण। गुरु भक्त को अपने गुरु के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। अपना लक्ष्य जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलने का और अपने घर जाने का, दूसरा कोई लक्षण को दिखाई नहीं देता है, वो गुरु भक्ति में परिपक्व हो जाता है। वो मालिक का दीदार करता है, वो मालिक के घर जाने का अधिकार रखता है। और आपने क्या किया? सब धोखा ही धोखा, कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आया तो विचार करना चाहिए। कहा था कि भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई, बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। कितनी बड़ी चीज है कि भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई, बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की, लोक सुख का जो आधार माना गया, सब पड़े जीव हैं मोह के जाल में, धर्म ग्रंथों में महिमा सुनाई गई, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई, बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्ति भगवान, भक्त भगवान का मेल है भक्ति से, भक्त भगवान का मेल है भक्ति से, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं।
प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा इन्हें, प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा इन्हें, उसकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिनको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्ति करने का आस है कुर्बानी से, भक्ति करने का आस है कुर्बानी से, जबकि तन मन दिया फिर क्या अपना रहा। जब तन मन किसी को दे दिया जाता फिर उस पर अपना कोई अधिकार नहीं होता, फिर तुम इधर उधर कैसे चलेंगे। इसका मतलब तन मन तुमने गुरु को नहीं दिया था, अगर दिया होता तो तुमको अन्यत्र जाने भगने की जगह ही कहां थी। कि भक्ति करने का आस है कुर्बानी से, जबकि तन मन दिया फिर क्या अपना रहो। ऐसी तो भक्ति जन कोई बिरला करे, ऐसी तो भक्ति जन कोई बिरला करे। देखो कोई कोई बिरला ऐसी भक्ति करता है जो आत्मसमर्पित भाव से। भगवान कृष्ण उसी भक्ति का संदेश अर्जुन को दे रहे थे, तुझ दो मेरे अधीन हो जा, सब कुछ भूल जा, सब मेरे अधीन है और तू मेरे अधीन हो जा, ये सब तेरे अधीन करा दूंगा। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कहा था तूने, तुझको मैंने निमित्त मात्र खड़ा किया है, तूने महाभारत में कुछ नहीं किया। लेकिन अर्जुन कैसे इस बात को माने, कह रहा मैंने तरकस से बाण निकाले हैं, मैंने बाण चलाए हैं, मैंने कौरवों को मारा यानी मारा है, महाभारत मैंने जीता है। लेकिन बार बार कृष्ण के कहने पर उसको अविश्वासी हो रहा था। प्रेमियों जब अर्जुन नहीं समझ पाया तुम कैसे समझ पाओ, तो ये मायावी जीव कैसे समझ पाएगा। जब अर्जुन को 24 घंटे साथ रहने वाला पांचों पांडव नरक में चले गए क्योंकि कृष्ण में उन्होंने शंका देखी थी, अपने इष्ट पर शंका करने वाला नरक का गामी होता है। बराबर चिताते रहे लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अंततो गत्वा कृष्ण को खोल के कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज आम त्वं शरणं पापेभ्यो मोक्षं सामाश्रिते, सब मत मतांतर फिरकों को छोड़ दे, केवल मेरे अधीन हो जा। लेकिन बात यह समझ में बहुत देर में आई। जब कृष्ण की बात अर्जुन नहीं समझ पाया तो बाबा जी की बात ये लोभी लालची चेले कैसे समझ देगी, इनकी समझ में कैसे आएगा, इनकी तो भी आंख खुली नहीं है, ये तो उसी माया के दृश्यों को देख रहे हैं, उसी लोभ लालच में इनको फंसना आता है, निकलना नहीं आता है। और निकालने वाला निकालने की आवाज लगा रहा और फंसने वाले फंसने में जोर लगा रहे। देखिए तो पहले क्या दलदल में फंसा व्यक्ति ताकत लगाने पर निकलेगा कि और नीचे जाएगा। ये काल माया ये भोगों का दलदल है, स्वार्थ लोभ लालच का, इसमें तुम जितनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे। तुमको तो निकालने वाला कोई चाहिए जो दलदल से निकलकर बाहर खड़ा हो और अपनी दया की डोर जब पकड़ा देगा तो तुमको बाहर से खींच लेगा, तब ये यानी माया और काल के दलदल से जीव निकल पाएगा। इसके पहले कोई नहीं निकल सकता। ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो क्या कहते, भक्ति करने का आस है कुर्बानी से, जबकि तन मन दिया फिर क्या अपना रहा। ऐसी तो भक्ति जन कोई बिरला करे, इसलिए भक्ति
सबसे ना कमाई गई भक्ति करना आसान इतना नहीं जितना वाणी से सबको सुनाई गई बिन गुरु के कृपा भक्ति ही होती नहीं जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। देखिए कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने आके रख दी। और भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, और बिना करनी के ये ज्ञान सब फेल है। संत मत करनी सीखा था, इसलिए आपको भाषण स्पीड प्रवचन करने से मना किया गया है। आपका अध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा, परमार्थी डगर कमजोर हो जाएगी, तुम्हारा मन फिर मायावी चीजों में भगने लगेगा। इसलिए संत मत में भाषण स्पीड प्रवचन सत्य बना है। क्या कह रहे हैं कि भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, और बिना करनी कि ये ज्ञान सब फेल है। मीरा सहजो कबीरा ने करके कही, मीरा सहजो कबीरा ने करके कही, और भक्ति अनपावनी सतगुरु ने ली, भक्ति अनपावनी इस सतगुरु ने दई, भक्ति करना है आसान इतना नहीं जितना वाणी से सबको सुनाई गई, बिन गुरु के कृपा भक्ति ही होती नहीं जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमियों इसको कहते भक्ति, गुरु भक्ति तो और कठिन है। कलयुग में संतों ने गुरु भक्ति का उपदेश किया है। क्या कहा? गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। गुरु भक्ति दृढ़ कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, और गुरु भक्ति दृढ़ किए जीव न पावे चैन। इसलिए मोटे बंधन पाप के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और मोटे जब तक जाए नहीं जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाओ। गुरु आदेश पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु ने आदेश दिया, किया है, कहा बच्चा सत्संग करना, सेवा करना, भजन करना, इसी तरह मुड़ के मत देखना। ये है अध्यात्म के तीन स्तंभ कलयुग में जीवों को वापिस घर जाने के। सत्संग करोगे सुनो, सुनाओगे नहीं करो, और सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। कहीं भी सुनाने का, बताने का, प्रवचन करने का हुक्म आदेश नहीं है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, कब तुम्हारी समझ नहीं आएगा। ये सब चीजें महापुरुषों ने बचा के रखी थी, और सबने चार जन्म में संतों ने पार करने की बात कही है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पथ, और चौथे में निज धाम। चार जन्मों में, लेकिन तुम्हारे समर्त मालिक ने एक ही जन्म में पार करने का वादा किया है। लेकिन तुम्हारी समझ में अपने गुरु की महिमा नहीं आई, जो सारे संत मत के इतिहास को बहुत पीछे कर दिया, और अपनी दुआ और दया का भंडार यश कलयुगी जीवों के लिए खोल दिया। कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर मनी यकीन करो, मैंने तुम्हारे भवसागर पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, अपने घर की तरफ चल पड़ो।
लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, कुछ भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जिस महापुरुष ने तीन ऐसे वादे किए हैं जो इस सृष्टि में किसी संत महापुरुष के नहीं है, अगर इन वादों को भी तुम विश्वास के साथ अपने अंदर जगह देते तो तुमको कोई गुरु के प्रति शंका नहीं पैदा कर सकता था। क्या वादा किया बाबा जी ने? पहला वादा है, अपना परिचय दे रहे हैं कि शायद तुम कहीं शंका में न आ जाओ। कहते हैं, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, ना शिवजी के शिवलोक से आया हूं, ना राम के साकेत लोक से आया हूं, ना कृष्ण के गोलोक से आया हूं, ना देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। कह रहे, मैं आया हूं सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहां की ये सारी जीवात्माएं रहने वाली हैं जो आज ये मृत्युलोक मंडल में मनु शरीर में बैठी है, मैं इनके वास्ते इनको लेने के लिए आया। और तुमने फिर भी नहीं समझ पाया। कहा, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, अपने काम का भी परिचय दे रहे हैं, मेरा एक ही काम मृत्युलोक मंडल में आने का। ये जीवात्माएं ये भंडार को जो काल माया ने अपने पापुर की कर्मों की मिलोरी रचना में इनको फंसा दिया, मैं इनको निकालने के लिए आया हूं और नाम जहाज लेके आया हूं, तब तुमको फिर शंका कैसे हो गई? इसका मतलब तुमने गुरु के वचनों को सुना ही नहीं, अपने अंदर मान्यता सम्मान दिया ही नहीं, तो तुम भ्रमित हो गए। देखिए कितने दयालु संत, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमीन पर कहा न जाना, जिनका हृदय मक्खन के समान। उपमा तो दी है कमियों ने, लेकिन मक्खन जब पिघलता है, जब खुश होता, जब उसको अग्नि का सहारा मिलता है, लेकिन संत यानी दिनों के और दुखियों के दुख को देखकर ही पिघल जाती है, इनको कुछ करने सहयोग लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसा हृदय पाक साहब निर्मल पवित्र, उस हृदय में तुमने अपनी जगह बना पाई थी, तुमने गुरु को अपने अंदर बैठा पाया था, सब धोखे धोखा तुम्हारे भी था, तुमने सब खत्म कर दिया है। देखो ये सब चीजें तो आपको सोचनी चाहिए। तो गुरु ने दया में आके कहा, चलो कमजोर जीव है, कलयुग का है, हो सकता हमारे एक वचन को वादे को न समझ पाया हो। तो गुरु जी ने दूसरा वादा किया हमारे आपके लिए, क्या कहा कि भल चाहो तो चेतो, आय लगा दी नाव और बहुरी बहुर पछताओगे, फिर ना ऐसो दाओ। देखिए इसमें कुछ बाकी रह गया कहने को, कह आए जीवात्माओं, तुम अगर अपना भला चाहती हो मौने मैने भव सागर पार करने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के इस पर बैठ जाओ, अपने घर की तरफ चलो। और भविष्य के लिए कहा, फिर ऐसा अवसर, फिर ना ऐसो दाओ का मतलब फिर ऐसा अवसर तुम्हारे लिए हमदर्दी का कोई लेके नहीं आएगा, ऐसे गुरु मिले नहीं कभी, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा जो इस तरह की आवाज लगाए और सारी जीवात्माओं को यानी नाम जहाज पर सवार करके इनको इनके घर पहुंचाए, काल की सारी व्यवस्था को भंग कर दे, ऐसा समृद्ध मालिक कभी नहीं आया। और आप कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन क्या कहा था, इनको घर पहुंचाना एक हमारा काम, कहा मैं इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। गुरु कह रहा, मैं इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इनसे पूछो, इन जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा? क्या गुरु का वचन झूठा है? क्या वादा झूठा है? क्या नाम दान देना सब झूठा हो गया? आपने एक अपराध किया है, इतने अपराध तुमने जमा किए हैं,
जिसको सृष्टि में कोई माफ नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु कितने दयालु हैं, कहते हो सकता कलयुग का जीव भोगी विलासी अल्पायु अल्पक है, साथ मेरे दो वादों बचनों को न समझ पाया हो तो तीन बार अवसर सबको दिया जाता, जिसको त्रिवाचक कहते हो। गुरु ने तीसरा अवसर फिर आपको एक दिया, तीसरा वादा किया, क्या कहा कि भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पर। इसमें तुम्हारे लिए प्रेमियों क्या रह गया था, गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया, ना तुमको आंख बंद करना, ना तुमको कान बंद करना, ना तुमको माला घुमानी, कहा मेरे पर विश्वास कर, मेरे बच्चों पर विश्वास कर, मैंने तुझको तेरे घर ले जाने पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी, तू विश्वास के साथ इस पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। ऐसी आवाज किसी संत महात्मा ने सृष्टि में लगाई, तुम ऐसे अपने समर्थ मानी को नहीं समझ पाए, क्या तुमने छोटा मोटा अपना नुकसान किया है। और जिन्होंने भवसागर में चैलेंज किया है, भवसागर भरमो नहीं, अरे इस भवसागर में तू भ्रम मत करना कि लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा, मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दू। इससे बड़ा प्रेमी क्या सबूत वादा, क्या संकल्प प्रतिज्ञा इन जीवात्मों के लिए हो सकती है। लेकिन वो अपने कुछ नहीं, ब्रह्मी परम भूल परम भूल परम सब पैदा होगी, और शंका भूल भ्रम जाएगी कहां से, ये भी तुम्हारे सामने लिख के रखा गया कि बहुरी काल करिए सत्य संगा ओ तबई हो इस संसे सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ नहीं करो तो क्या होगा, शंका चली जाएगी, शंका भूत जिस पर सवार हो जाता कुछ करने नहीं देता। बड़ों बड़ों का इतिहास है, रावण जैसा बलवान बुद्धिमान कोई नहीं था, उसके अंदर भी शंका हो गई किस पर, समय के नाम और समय के नाम के भगवान पर, भगवान राम नाम पर उसको शंका हो गई, कह रहा ये भगवान का नाम नहीं है, इनमें कोई शक्ति ताकत नहीं है। और इसी शंका में प्रेमियों सोने की लंका चली गई, शंका में उस विद्वान ने लंका खो दी, और तुमने शंका की तो गुरु की दया खो दी। गुरु वाली दया कोई देने वाला है, अरे गुरु वाला लाभ सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी कराने दिलाने वाला है कोई, जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने वाला है कोई, या किसी के पास नाम जहाज है कि जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाने, ये तो सब तुम्हारे, ये सब तुम्हारी अज्ञानता ही नहीं, सत्संग का कोई मतलब ही नहीं निकला। इसलिए प्रेमियों ये भारत देश, इस भारत देश की एक महिमा है, गौरव गरिमा है कि इसकी जब व्यवस्था बिगड़ गई तो किसी न किसी को भेजा गया, और वो मानव शरीर में आया, उसने काम किया, और तुमको उसका इतिहास लिख के रख दिया गया कि ऐसी स्थिति परिस्थिति, ऐसी समस्याएं, ऐसे मनुष्य के लक्षण जब तुम देख लेना तो समझ लेना इतिहास से कि अब फिर कोई आने ही वाला है, और वो आएगा अपना काम करेगा। रामायण ने भी बताया और गीता ने बताया, तुमने किसी की बात मानी है, रामायण क्या कह रही है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रे अधम अभिमानी ही तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा ओ हरे सदा इस सज्जन की पीरा। सच्चे ईमानदार भक्तों के दुख
कौन हरेगा? जब वो आएगा हरी। हरी माने दुख को हरने वाला, मुसीबत को हरने वाला, संपूर्ण कष्टों को, आपत्तियों को, यानी विपदाओं को हरने वाला, उसको हरी कहते। और कहा मनुष्य शरीर में आएगा, ये नहीं कहा हिंदुओं में आएगा, मुसलमानों में आएगा, ये तो जात पात तुम बना के बैठे हो। अरे भक्त की भगवान की कोई जाति होती है? शिष्य और गुरु की कोई जाति होती है? आप तक यही नहीं सोच पाए। अगर महात्मा जाति देखेगा तो जीवात्माओं का कल्याण कभी नहीं कर सकता है, और राजा अगर जातमा देखेगा कभी न्याय नहीं दे सकता है। इन दोनों के लिए सिद्धांत है। अरे राजा को तो राजा ही कहते हैं और संत को तो महाराजा कहते हैं, इनका तो बहुत उच्च कोटि का। तो आपको ऐसा विचार रखना चाहिए, उसी भारतीय संस्कृति सभ्यता मर्यादा के आधार पर पहले मैं बोलूंगा बात है आप सब। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले देश के कोने कोने से आए हुए समस्त धर्म प्रेमी सत्संगी भाई बहन, बड़े सौभाग्य का दिन है। और दिन ये कैसे मिला है? ये गुरु की कृपा से मिला, हरि गुरु की कृपा। हरि की कृपा के बगैर संत नहीं, और संत की कृपा के बिना जीवात्मा का कल्याण नहीं, दोनों चीजें। तो इस मालिक की कृपा और दया ना हुई होती तो आज जंगल में हम आप बैठे होते? क्या किसी को मालूम था उनकी कृपा का कितना बड़ा इजहार है, कितनी बड़ी हमदर्दी है? इसलिए महापुरुषों के बारे में क्या कहा गया कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में इस जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल से होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया
है आवाज तू से, गरीबों की दुनिया है आवाज तुम से, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के गग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के गग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के गग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के गग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौ पते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौ पते हैं तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। उपस्थित धर्म प्रेमियों, एक समय से महापुरुष का आदेश, सबने अपने अपने समय में जो जीवों के लिए जरूरत आवश्यकता समझी, आदेश सबने जारी किया, लेकिन कलयुग सबसे कमजोर युग है। इसमें पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान तुमको करने का अधिकार नहीं है। हट जिससे आप कर रहे हो तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलना, तो ये बहुत पाक साफ दिलों का सौदा है। गंदगी में कोई नहीं बैठेगा, गंदगी कोई नहीं पसंद करता है, और आप सब गंदा खान पान करके, गंदी संग सोबत करके, और मतलब यानी और धोखाधड़ी बेईमानी मारकाट हिंसा चोरी करके उस मालिक को याद करते हो, क्या वो मालिक इतना अज्ञान नादान है? तुम्हारे इस गंदे मनुष्य शरीर में आ जाए, सोचो विचार करो, तो संत मत दीनता का मत है। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना, ये निरंतर गुरु ने पाठ पढ़ाया और ये सम्मान सम्मान धन दौलत में ही चले गए, उसमें भी गए।
क्या गुरु के वचनों को किसी ने माना? क्या गुरु के वचनों को आपने स्वीकार किया है? तो तुम्हारा उद्धार कल्याण कैसे होगा? आप इस पर विचार करिए तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ होने वाला नहीं जैसे तुम समझते हो। इतिहास भी बताता है, जब कोई तुम्हारे हित का संदेश लेके आया हमदर्दी का, तो लोगों ने उसको पहचान नहीं पाया, सबको धोखा हो गया। क्या भगवग्राम को किसी ने भगवान माना था? उनके मां बाप नहीं पहचान पाए। अगर पहचान जाते मेरा बच्चा भगवान है तो 14 वर्ष के जंगल में नहीं धकेल देते 14 वर्ष के लिए। क्या कृष्ण को किसी ने भगवान माना था? उनको तो पैदा होने तक की जगह किसी ने नहीं दी, बेचारे जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया, भगा दो हटा दो मार दिया जाएगा, रातों रात गोकुल भिजवा दिया गया। पैदा कहीं हो रहे हैं, पालन पोषण कहीं हो रहा, मां का बाप का मुख भी देखने को नहीं मिला। ऐसे भगवान नाम का किताब नहीं मिलता है, ऐसे संसार पूजा करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब तक कोई चमत्कार नहीं होता है नमस्कार कोई नहीं करता है। आपको ऐसा विचार करना चाहिए था। लेकिन जब पिछले इतिहास को आप समझ लेते तो आपको अपने वर्तमान इतिहास पर कोई शंका ही नहीं होती। लीला का रोल सबने अदा किया, बिना लीला के कोई काम नहीं होता और बगैर लीला के विश्वास भी नहीं होता दोनों चीजें, और बगैर लीला के भक्त की कसौटी भी नहीं होती। तीन चीजें, ये तीन लक्ष्य लीला में। तो आपको तो ये सब विचार में रखना चाहिए था, लेकिन तुमने तो किसी की बातें नहीं मानी, तो तुम्हारे लिए सब धोखा ही धोखा हो गया, सब धोखा। तुमको मालूम कि कलयुग में बिना गुरु की गति नहीं होती। संत गोस्वामी जी महाराज ने पहचान लिखी है कि भवसागर पार क्या और कोई कर देगा? कहते नहीं, किसी के बस की बात है। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन सकता है, राजा महाराजा बादशाह बन सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, धन दौलत खजाना मिल सकता है, लेकिन भवसागर पार नहीं कर सकता है। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि बिन गुरु भाव निधि तरे ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर बिना गुरु के कोई नहीं पार हो सकता। फिर आपको कैसे शंका हुई गुरु को छोड़ गए? क्या और कोई पार कर देगा? क्या किसी के पास नाम जहाज है किस पर बैठा लेगा, कैसे ले जाएगा? तुम्हें तो यह सब विचार रखना चाहिए। तब संत महापुरुषों ने जीव की समझौती के लिए क्या इशारा किया है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, 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 अभी रह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, बड़े भाग से अब किनारितन मिला है, बड़े भाग से
अब किनर्तन मिला है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, अभिरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, बड़े भाग से अब किनर्तन मिला है, बड़े भाग से अब किनर्तन मिला है, अब बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है, 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर, माता पिता सुत ये दारा बिरादर, यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना प्रेम संसार इस सब है ये सुना, यहाँ प्रेम करके निभाना कठिन है, 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, विरह के दो आंसू बहाना कठिन है, जय गुरुदेव। प्रेमियों, कलयुग में कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है।
बाबा जी ने नामदान के वक्त में क्या कहा, कहा मैंने तुमको युक्ति दे दी है, अगर कर सकते तो कर लो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मेरे पर छोड़ दो। तुमने ये तय कर लिया है, तुमने इसको तय किया माना है, तुम्हारे बस की है। क्या कलयुग में कोई भजन कर सकता है? कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात भरन कुल खोए, कैसे होगा? इसलिए महापुरुषों ने दया करके बिना मांगे आपको प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे दिया। संतों का आगमन भारत भूमि पर दया देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता, देने के लिए होता। तब कहा गया था कि दया कर सुनते अर सत गुरु इधर आ पर जब आते हैं, और सत गुरु दरा पर जब आते हैं, दया कर शांत और सत गुरु इधर आ पर जब आते हैं, दया कर शांत और सत गुरु दरा पर जब आते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं, ये सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं, सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं, सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं, सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं, दया कर शांत अर सत गुरु धरा पर जब आते हैं, दया कर शांत और सत गुरु धरा पर जब आते हैं, मैं देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की, देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की, ये देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की, ये देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की, ये प्याला नाम के रस का जिसे छके छको पिलाते हैं, ये प्याला नाम के रस का जिसे छके छको पिलाते हैं, दया कर संत अर सत गुरु धरा पर जब आते हैं, दया कर शांत और सत गुरु धरा पर जब आते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं, युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है, युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है, युगों की भूल
कुमारोती बिलखती है, लोगों की भूली भटकी आत्मारोती बिलखती है। सहारा नाम का देखकर इसे अपना बनाते हैं, सहारा नाम का देखकर जिसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देखकर इसे अपना बनाते हैं, सहारा नाम का देखकर इसे अपना बनाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं, दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की, जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे चरिया बताते हैं, कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं, कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज पल से उठाते हैं, फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। प्रेमियों, कलयुग का जीव धन बल शरीर बल बुद्धि बल से नहीं जा पाएगा, जाएगा गुरु के बल से, क्योंकि कलयुग का जीव बलहीन है, चरित्रहीन है, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, इसको किसी के समर्थ का सहारा चाहिए। कहते बिना गुरु की कृपा बिना गुरु के बल शक्ति के कोई भी जीव काल माया के देश से छुटकारा नहीं पा सकता है। काल माया ने मुद्दतों से जगत के पकड़ के रखा है। ये कोई साधारण व्यक्ति का काम है जो काल से तुम्हारी आत्मा की डोरी को छीने और नाम दान दे के नाम का सहारा पकड़ाकर इसको वापिस घर पहुंचाए, ये इंसान के बस की बात नहीं। आपके पास सत्संग का सब अनुभव, एक एक वचन ठोक बजा के 60 साल में गुरु ने आपको पढ़ा लिखा सिखा के तैयार किया था, लेकिन जब परीक्षा हुई तो सब फेल हो गई। कोई पास नहीं गुरु के, सब गुरु से दूर। पास है कोई गुरु की चर्चा कर रहा है, गुरु की महिमा कर रहा है, कोई गुरु के बच्चों को बता रहा, सब धन दौलत रुपये पैसे मान सम्मान की बात कर रहे, गुरु की बात कोई नहीं कर रहा। चर्चा गुरु की है, काम गुरु का है, लेने गुरु आया है, नाम युक्ति गुरु ने दी है, तो पार कौन ले जाएगा। आपको यह सब विचार रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विचार नहीं। तब कहा था बहुत कम भाग्यशाली जो गुरु के यहां टिकते हैं, आते बहुत हैं चले जाते हैं, बह जाते हैं, स्वार्थ लोग लालच में फंस जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कहां
इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। प्रेमी और संस्कारी जीवों की आप पहचान कैसे करेंगे? तो महापुरुष बाहर में उनके लक्षण बताते हैं कि करे नित सतो संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख इ पाएगा वो शक्ति। करे नित सतो संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार भरम की खाना आज नहीं तो इकल छूट जाना। संसार भरम की खाना आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुतदारा पोरी इवार की ममता, जीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। एक गुरु बिन तेरा ना एक कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां
सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना और भोगों का तू ही बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना और भोगों का तू बना है दीवाना। इस शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। इस शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब हैं। इसमें महापुरुषों ने अंतिम चेतावनी जीव के कील रखी, अभी चेचा जाचा, अब भी जागो, इज्जतन कुछ कर लो और 84 का फेर बचा लो। अब भी जागो, जतन कुछ कर लो और 84 का फेर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की ये महिमा अजीब है। संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां इस सब का नसीब है। संस्कारी जीव आते एक गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। प्रेमियों विचार करो, आज समृद्ध के गुरु के करीब कितने हैं, दूर कितने बच गए, ये विचार करने का विषय है। बगैर करीबी, गरीबी के करीबी हासिल नहीं होती है। जो संसार का गरीब है, यानी संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता न मांगता है, केवल अपने जीवात्मा के कल्याण की बात करता है, वो उसका नसीब है, वो भाग्यशाली है। वही गुरु की शरण में टिकता है, वही पकता है, वही अपने घर जाता है, बाकी काल माया की मार खा के यही रह जाता है। आपको यह सब विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मालूम देता तुमने सत्संग वचन को सुना ही नहीं है। इसलिए गुरु के यहां केवल एक भजन का रास्ता, कोई रास्ता नहीं। साफ करके तुमने देख लिया, कुछ मिला, इतने बच्चे पैदा किए, तुमको उससे कोई सुख शांति मिली, सब रो रहे कहते हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चों का खान पान नहीं ठीक है, बच्चे हमारे अनुसार नहीं चाहते। अरे तुम ये भूल गए हो, ये दुनिया तुमको अपने अनुसार चलाना चाहती है, सब अपना अपना काम तुमसे निकाल रहे हैं और तुम इतने अज्ञानी हो कि अपना सच्चे काम में इनको नहीं लगा पा रहे हो और इनके पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, ये सब तुम्हारा चला जाएगा, तुम रोते चिल्लाते रह जाए। वह स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले आदेश किया था कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है,
सब हरी भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना कि प्रेम भाव से इस संगठित होकर और सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। सब हरी भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, ये भगवान का मंदिर कहते हैं। तुम ढूंढो पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। जा बैठे फकीरों की सोहबत, जा बैठे फकीरों की सोहबत, वो जीवन धन्य तुम्हारा है। सब हरी भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मदिरा मांस में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है। सब हरी भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों ही जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब हरी भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उपस्थित प्रेमीजनों, देखो ये आदेश को समय से सतगुरु का, अगर पार जाना है तो कर ले भजन, बिना भजन कोई पार न जावे, कोटिन करो उपाय। कितना भी तुम्हारे पास धन हो जाए, बल हो जाए, जन हो जाए, राजपाट हो जाए, लेकिन बगैर भी भगवान के भजन के कोई नहीं निकल सकता। पूजा पाठ तो प्रेमियों कठित है, उसमें तमाम सामान खरीदना पड़ता है, मंदिर बनाना पड़ता है, लेकिन भजन में कुछ खर्चा नहीं। बना बनाया मनुष्य मंदिर आपके पास, परमात्मा ने अपने को पाने के लिए दिया, और इसमें सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर चलता फिरता बोलता चलता, और जो तुमने बनाया वो झूठा जड़ मंदिर, न कोई बोलता है, न चाहता है, न मना करता है, न अच्छा बताता है, न बुरा बताता। उसमें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास क्यों है कि वो तुम्हारे जैसा तुम्हारा भगवान है। न पूछता कि चोरी करके तो नहीं लाए सामान, चोरी करके, झूठ बोल के, बेईमानी ठगी करके, पैसा पैदा करके, बतासे पेड़े तो चढ़ाने नहीं आए।
शराब पी के तो नहीं आए हो, मुर्गा मीट खा के तो नहीं आए हो, ना वो पूछता है, तुम कहते हो बढ़िया भगवान मिल गया। लेकिन जो चेतन भगवान हो तो पूछेगा कि आप क्या करके आए, इसलिए तुम उनके पास नहीं जाते हो। तुम्हारा डर इसीलिए है, जो रूहें गुनाहों से रहती तभी वो पास में आती डरती है, जिन्होंने गुनाह पाप किया है वो इस सत्संग में नहीं आएंगी, आएंगे तो उनकी बुद्धि में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, यहां से निंदा आलोचना बुराई करके बह जाएगा, चला जाएगा। इस दरबार में वही टिकेगा जो पाक साफ दिल का है, जिसको अपने मालिक के सिवा कुछ नहीं चाहिए, अपने जीवात्मा के कल्याण के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वो इस दरबार में टिकेगा। अभी प्रेमियों इसमें भी छटनी होगी, आप क्या समझते हो, इतने भी छटनी होगी, एक भी लोग लोभी लालची स्वार्थी धोखा देने वाला झूठ बोलने वाला इसमें टिकने वाला नहीं। कहा गया था कि भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा कि बच्चा शंका में मत आ जाना, उस मेरे खेल लीला में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा, इन जमींदारों से ईमानदारों से गुनहगारों से परिवर्तन नहीं होगा। आप क्या समझते हो, तुमको गुरु की बाणी नहीं मालूम, तुम तो बार बार चिल्लाते रहते हो, बार बार सब लोग गाते थे गुरु की वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है, कह रहे हैं कि गुरु की वाणी में अमृत भरा और गुरु मर गया, अमृत ने मारने का काम किया कि अमर करने का काम किया, वो कैसा अमृत था जिसने गुरु को मार दिया। तुम्हारा गाना सब बेगाना हो गया, जब ये गाना बजाना बंद करो नहीं और भूल भ्रम में चले जाओगे। और तुम ये भी कहते थे गैर के द्वारे जाके गर्बंदा झुका फरकाएगी मालिक तेरे नाम पर, और कहां पर झुके हो, कहां पर गिरे हो, कहां पर सब कुछ तुमने यानी अपना दे दिया है, तो क्या तुमने गुरु का अपमान नहीं किया, इसकी भी सजा मिलेगी तुमको, इसकी भी सजा है। आप सब पर विचार करते रहिए, मैं केवल अभी इशारा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर, जैसा जैसा समय आता जाएगा आपके अंदर सुनने की और चाहने की इच्छा जगती जाएगी, आपको मसाला मिलता जाएगा, लेकिन उतना दिया जाएगा जितना तुम हजम कर सको। संदेश तो इतना है, अगर गुरु के संदेश को उनके जो भविष्य के वचन है, भविष्य में क्या क्या होगा, अगर वो सब मैं खोल करके कहूं तो कई महीने लग जाएंगे, इतना जिसने जगाने का काम और आपको चिताने का काम, आगाह करने का काम जिसने किया, आज तुम उसी को छोड़ के भग गए हो, अन्यत्र तुम्हारा भला कहां होगा, है कोई भलाई करने वाला, सब अपना भला चाहने वाले, अपना मान सम्मान रखने वाले, धन दौलत चाहने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे परेशानी मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं। तो आपको तो ये सब विचार में रखना चाहिए, लेकिन तुमने सब बना दिया। प्रेमियों, एक संसारी गुरु के पास आया, वो गुरु जी जंगल में रहते थे, महात्मा जी, उनके पास आया, आता जाता कहने लगा हम सेवा करना चाहते, कल रह जाओ, रहने लगा। कुछ दिन सेवा करने के बाद कहता हमको तो भजन करना, हमको नामदान दे दीजिए, तो गुरु ने नामदान दे दिया उसको। जब नामदान पा गया, कुछ दिनों के बाद सोच रहा है अब यहां रहने से क्या फायदा, जो इनके पास था हमने सब ले लिया, अब तो एक खाली हो गई। देखिए भाव देखिए पहले, और इनके पास यहां जंगल में कोई आता नहीं, चलो कहीं शहर में जाके बाजार लगाएंगे। तो कहा गुरु जी आपके पास कोई आता जाता है नहीं, हम तो कुछ बाहर चल के देखेंगे,
कहा बच्चा बाहर कुछ नहीं है सिवाय तेरा नुकसान के सिवा फायदा नहीं, यही रहे भजन कर। अरे कहा सोच रहा है यहां कोई आता जाता है नहीं, यहां क्या फायदा। तो मतलब हट करके गुरु से और चला गया एक शहर में, अपना आसन जमा दिया। तो सब लोग उसके पास आने लगे, जो आ रहे हैं वो बेचारे इनसे कमजोर है, वो क्या जाने, वो अच्छा सच्चा क्या जाने, उनके पास क्या पहचान। तो आने जाने लगे, भीड़ होने लगी। जब भीड़ होने लगी बड़ा खुश हो रहा, कह रहा देखो गुरु के पास तो कोई नहीं आता था, मेरे पास कितनी भीड़ होती। अरे उसके पास कुछ नहीं था, तो मेरे ही पास है, बहुत भीड़ होने लगी उसके यहां। अब गुरु तो नाम दान देता है रक्षा के लिए, इबादत के लिए, संभाल के लिए। तो क्या हुआ, गुरु ने सोचा चलो चल के देखें। वो तो वहीं से देख रहे हैं कि तो फंसने का सामान तैयार कर रहा। तब जब वहां से गुरु चले तो पता लगा के पहुंचे तो गद्दी पर ऊंचे बैठा था और समाज लगी देखो। तो उसने जब गुरु को देखा तो अंदर अंदर बेचारा क्रोध आया, देखो यहां भी चला आया है, यहां भी चला आया। तो उठकर प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया, अहंकार में जमा बैठा। जब संगत चली गई तो गुरु ने कहा अरे बेवकूफ मूर्ख कहीं के, तुमको मैंने नामदान करने के लिए दिया था कि यह सब बांटने पर फैलाने के लिए दिया था, तो क्या कह रहा, अच्छा तुमको हमारी भीड़ अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे पास कोई नहीं आता था, मेरे यहां इतनी भीड़ है, तुमको हजम नहीं हो रही, तुमको ईर्ष्या हो गई। गुरु ने कहा रे मूर्ख ये भीड़ तेरे काम आएगी, ये भीड़ तो तुमसे ज्यादा कमजोर है, अज्ञानियों की मूर्खों की भीड़ लगाकर तुम मूर्खों का राजा बना, महामूर्ख। ये कह करके राजा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गुरु जी चले आए, कुछ दिनों के बाद उस चेले के कुष्ठ हो गया, सारे शरीर में कुष्ठ सब बहने लगा। अब लोग जो आते थे पाप में नफरत करने लगे, इसको छूना मत कुष्ठ है, बड़ा पापी तभी कुष्ठ हुआ। अब देखिए सब वो जो थी वो सब नफरत में बदल गई, अरे जो देता है, कहा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है, जिसको देना मालूम लेना भी मालूम है, लेकिन मौका दिया जाता है शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब लौट आए वापिस आ जाए आ जाए, ये तो मौका है जीवों को, एक मौका दिया जा रहा, अभी वापिस आ जाइए तो तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहे हो तो तुम आओगे कैसे। जिन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, इन प्रेमियों की गाड़ी कमाई, खून पसीने की उसका दुरुपयोग किया है, नाजायज खर्च किया है, वो जीव मुड़ के कभी इधर नहीं आएगा और उसको आना भी नहीं चाहिए, नहीं सजा कौन पाएगा, इतिहास कैसे बनेगा, क्या बगैर रावण के राम का इतिहास बनेगा। वो दोनों चाहिए, दोनों दो दल चाहिए, बगैर उसके खरे खोटे की पहचान नहीं होती है। जब दो चीजें होंगी तभी अच्छे बुरे की पहचान कर सकोगे, अगर अकेला सिंगल पर्सन तो आप क्या पहचानोगे, अच्छा मान लो तब भी धोखा है और बुरा मान के हट जाओ तब भी धोखा है। वो तो जब दो चीजें सामने होंगी तब आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी। तो कहने का मतलब है कहा कि एक राज्य में राजा के यहां बहुत लोग सुखी थे, वो धार्मिक राजा था, ईमानदार, सेवा भाव था, बहुत प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद वो राजा मर गया, शरीर छोड़ गया, तो समाज के राज के राजनीति के अनुसार उसके बड़े बेटे को राजा बना दिया गया। वो बहुत कुकर्मी था, बहुत खाने पीने वाला, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद राज समाप्त हो गया और उस पर गहन संकट आ गया, राज की सूखा पड़ गया, इतना सूखा काल कि पानी के अभाव से पशु पक्षी जीव जंतु मरने लगे। तो मंत्री ने कहा राजन जिसके राज में प्रजा दुखी होती है
वो राजा नरक का गामी होता है। प्रेमियों, इस प्रजातंत्र में चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रांत प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो और ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे गांव का प्रधान हो या घर का मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जो जितने लोग हैं जीव हैं, अगर ये दुख में संकट में जाएंगे तो उस राजा को नरक में जाना पड़ेगा। संत गोस्वामी जी महाराज ने धारा सबके लिए समान होती, अलग अलग नहीं लिखी जाती। एक धारा संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में निकाली कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयावा से नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, जिसके आश्रित लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो मालिक, वो जिम्मेदार नरक में जाता है। तो जब सूखा पड़ गया तो मंत्री ने कहा, राजन जल्दी करो, एक ब्राह्मण के बुलाकर भगवान के नाम का जाप कराओ, संकट जा सकता। अब किसी को क्या मालूम कि ब्राह्मण कौन है। तो एक गंगा स्नान किए, माथे पर चंदन करने में जनेऊ, अरे कहा बस बस यही ब्राह्मण हो सकता। उससे कहा, चलो तुमको राजा ने बुलाया, बेचारा घबरा गया। अरे कहा, चिंता मत करो, भगवान के नाम का तुमको जाप करना है, राजा बहुत सा इनाम देगा। अब बेचारा वो चला गया, वो तो बेचारा कुछ जानता नहीं था कि नाम कौन सा असली है, कौन नकली है, कौन वर्तमान का है, कौन भूत का है। अब बेचारा यही सोच रहा कि कौन सा नाम, अगर राम का नाम लूंगा तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे कि मेरा का नाम क्यों नहीं दे रहा, कृष्ण का नाम लूंगा तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे मेरा काम क्यों नहीं दे रहा, मेरा नाम क्यों नहीं दे रहा, शंकर जी का नाम लूंगा तो हनुमान नाराज हो जाएंगे मेरा नाम क्यों। इसी पशोपेश में अब वो चिंता में फंस गया और इसी चिंता में उसके मुंह से जब वो निर्णय नहीं ले पाया तो यही निकलने लगा, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, यही कहने लगा बेचारा। अब ये 6 महीने जाप हुआ। प्रेमियों, कोई भगवान का नाम हो तब तो फायदा होगा। राजा ने कहा, मंत्री 6 महीने हो गए ब्राह्मण जाप कर रहा, कुछ स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। कहा, राजन जल्दी करो, दूसरा ब्राह्मण बैठा लो। तो दूसरे को पकड़ के ले आए, कहा चलो एक राजा ने तुमको बुलाया है, चिंता मत करो, एक ब्राह्मण देवता जाप कर रही तुम भी चलो। उसने कहा, चलो भाई देखेंगे वो क्या कह रहे जाप। जब आके देखा तो वो क्या कह रहा है, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। उसने सोचा, ये यही होगा नाम, इसको मना तो नहीं किया जा रहा, इसका मतलब यही है। अब वो क्या कह रहा, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये जाप करने लगा। प्रेमियों, दोनों में कोई भगवान का नाम नहीं। अब शांति हो तो कैसे हो। 1 साल हो गया, राजा ने कहा, मंत्री 1 साल से दो ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, कोई सुधार नहीं हो रहा है। कहा, राजन जल्दी करो, तीसरा बैठा दो। तीसरा ढूंढ के लिया, उससे कुछ योग्यता हो। तो उसने कहा, चलो देखेंगे भाई दो ब्राह्मण क्या जाप कर रहे हैं। जब वो पहुंचा तो उसने देखा, एक कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा जो एक करे सो मैं करूं, तो तीसरा कहता, नहीं इनमें तो भगवान का नाम आ ही नहीं, ये तो ऊंचा जाप। तो कह रहा, अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। वो ये चिल्लाने लगा। अब 1.5 वर्ष हो गया और 3 दिन ब्राह्मण जाप कर रहे लेकिन भगवान का नाम किसी में नहीं। तो राजा ने कहा, मंत्री 1.5 वर्ष हो गया है, 3-3 ब्राह्मण भगवान के नाम का जाप कर रहे, स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। अरे कहा, महाराज त्रिदोष हो गया, त्रिदोष, जल्दी करो, चौथा बैठा लो, तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। चौथा पकड़ के लाया गया, वो कुछ तीनों से होशियार था। तो मतलब उसने कहा, चलो भाई देखेंगे 3-3 ब्राह्मण क्या जाप कर रहे।
तो जब आया उसने देखा, एक कह रहा क्या जात करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा जो ये कह रहे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, तो चौथा कह रहा अरे जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। चार चार ब्राह्मण जाप कर रहे हैं। राजा ने कहा ढाई वर्ष हो गया मंत्री, चार चार ब्राह्मण जाप कर रहे हैं, कोई स्थिति में सुधार नहीं रहा, चलो हो ना हो चल के देखा जाए। राजा चलने को तैयार हो गया। जब खबर पहुंची ब्राह्मणों के पास, आज राजा स्वतः आ रहा है इनाम देने के लिए, तो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे राजा को देखकर, क्या जाप करूं क्या न करूं, जो एक करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा ने कहा अरे बदमाशो अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, जब महाराजा जी आ जाएंगे तब नहीं चलेगी, तब तक चलेगी, तब तक चलेगी। आपको ऐसा विचार करना चाहिए, महापुरुष कभी कहानी किस्सा नहीं सुनाते हैं, वो समय की हकीकत को पेश करते हैं। आगे आने वाले समय की मतलब यानी तुम्हारे सामने खोल के पर्दाफाश करते हैं। और ये 1986-87 के काफले में जो 3 महीने का 10,000 किलोमीटर 16-18 प्रांतों को था, उसमें सब जगह इसी कहानी को सुनाया गया, लोगों ने कहानी की सा समझा और वो भविष्य की हकीकत थी। लेकिन किसी को क्या मालूम, कहा जब तक तुम नहीं जगोगे, जब तक तुम नहीं जगोगे तब तक चलेगी, जितने तुम जाग जाओगे ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। आपको ऐसा विचार में रखना चाहिए था। तुम कहानी किससे समझते हो? सच्चे गुरु भक्त की पहचान आपको सत्संग के दौरान कितनी बार दृष्टांत देके बताया गया कि एक गुरु भक्त के अंदर इच्छा उठी कि चलो देखे नदी के उस पार क्या होता। उसने नाव का सहारा ले लिया। जब नदी के उस पार यानी थोड़ी दूर नाव चली तब एक तूफान दिखाई दिया उसको। अब बेचारा तैर नहीं पाता था, बहुत अंदर में घबराने लगा। जब घबराने लगा तो उसने अपने गुरु को याद किया अंदर अंदर। तो गुरु ने सोचा कि अभी तक तो कभी इसने मुझको नहीं याद किया, आज ये आपत्ति में फंसा है तब हमको याद करा, तो जरा इसकी परीक्षा लेके देखे, ऐसी आपत्ति में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी का हाथ पकड़ देगा। तो गुरु ने परीक्षा के लिए नदी से एक हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। वो पूछता तुम कौन हो? हाथ से आवाज आई हम हैं भगवान। तो उसने कहा अरे भाई मैंने तो भगवान देखा है, मैंने इन आंखों से गुरु देखा, अगर मेरा गुरु सामने आके खड़ा हो जाए तो मैं विश्वास करूंगा, ऐसे मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। तब तक प्रेमी और नाव थोड़ी दूर और आगे बढ़ी, तूफान और नदी दिखाई दिया, फिर उसने गुरु को याद किया। गुरु ने सोचा देखे जरा ऐसी स्थित परिस्थिति में ये हम ही को याद रखेगा, हमारा ही हाथ पकड़े रहेगा कि और किसी का हाथ पकड़ लेगा। परीक्षा के लिए गुरु ने दूसरा हाथ दिखाया नदी से, पकड़ ले मेरा हाथ मैं तुझको बचा लूंगा। पूछता आप कौन हो? हाथ से आवाज आई हम हैं भगवान के भगवान खुदा के खुदा। अरे कहा मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने तो गुरु देखा है, अगर गुरु मेरे सामने आके खड़ा हो जाए तो मैं विश्वास करूंगा, ऐसे विश्वास करने वाला। प्रेमियों तब तक नाव भी धार में पहुंच गई, तूफान ने झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा, बेचारा तैर नहीं पाता था, इतना घबरा गया। मौत से खतरा सबको घबराहट होती है, मौत से तो सभी घबराते हैं। इतना घबराया कि जो अंदर में आवाज गुरु के लिए धीरे धीरे अंदर अंदर में कह रहा था वो आवाज बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु बचाओ गुरु बचाओ गुरु। लेकिन गुरु ने कहा ऐसी अहम समस्या में भी ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी का हाथ पकड़ लेगा।
तो गुरु ने परीक्षा के लिए तीसरा हाथ दिखाया, पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। फिर वो पूछ रहा तुम कौन हो, कहते हम हैं दादा गुरु। कहना हमने इनको भी नहीं देखा, हमने गुरु देखा है, अगर गुरु मेरे सामने आ जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा। स्वामी जी ने हंस के कहा था, ऐसी दृढ़ता मजबूती, ऐसी विश्वास आस्था, ऐसी कुर्बानी जिस भक्त को अपने गुरु के प्रति है वो गुरुभक्त कहलाता है, वही गुरुभक्ति करने का अधिकारी है और गुरु से परमार्थी लाभ पाने का अधिकारी है। और आप सब भटक गए, सब भटक गए। एक भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई कि हमको क्या करना चाहिए था। जब इतने वचन तुम्हारे सामने, इतना सत्संग तुम्हारे सामने हुआ और तुम उस सत्संग को बिल्कुल नहीं रख पाए, एक भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं, जबकि भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। राजा दशरथ के पास कैकेयी के दो वचन थे, कहा संभाल के रखना, समय आने पर मांग लूंगी। ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वादा खिलाफी नहीं की। और उस राजा का इतिहास बन गया, राजा का इतिहास बन गया। आज सब लोग उसको पढ़ते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। चाहे प्राण चले जाए लेकिन वादा खिलाफी नहीं होगी, वचनों से नहीं मुकरेंगे, वचन को पूरा करेंगे। और देख लीजिए इतिहास बना हुआ, अरे वो राजा का इतिहास है, राजा राजा और संत महाराजा। क्या इनका इतिहास झूठा हो जाएगा, क्या इनके वचन झूठे हो जाएंगे? आपको अपने भूतकाल के इतिहास से जानकारी रखनी चाहिए थी तो वर्तमान में धोखा नहीं होता। ये सब चीजें, एक महात्मा जी अपने दो शिष्यों को लेकर निकले, पिछले गुरु अपना परिचय और अपने नाम का परिचय देने के लिए, इन चेलों को परिचय कैसे होगा, कैसे इनको मानता होगी, तो लेके निकले। यही गर्मी का महीना था, दोपहर में धूप की वजह से एक पेड़ के नीचे लेट गए। चेलों ने कहा गुरु महाराज हमको तो भूख लग गई, कहा जाओ बच्चा गांव में चले जाओ रोटी मांग के ले आओ। कहा हुजूर ऐसे रोटी कौन दे देगा? अरे कहा जाना दरवाजे पर आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोर, सत्यनाम साहब बंदी छोर। देखो सब कुछ बता रहे हैं लेकिन लोभी लालचियों को सुनाई नहीं देता परमार्थी नगर, उनके नहीं समझ में आता। अगर कोई परमार्थी जीव होता तुरंत कहता गुरु महाराज जब आप बंधन मुक्त कराने वाले हो तो हमको रोटी और भीख के बंधन में क्यों मानते हो? लेकिन स्वार्थी लोभी लालची कभी न गुरु के वचन सुनता है न उस पर विश्वास करता है, वो इतो झांक ताक में रहता कब गुरु जी चूक जाए और हम थोड़ा सा इनके हाथ लगा दें, इनको भी ठग ले, इनको भी लूट ले। ये स्वार्थी लोभी लालची हमेशा विचारधारा ऐसी रहता। जब लौट के शाम को आते थे गुरु जी रोज पूछते थे, अरे भाई कोई मिला? चेले कहते हुजूर कोई नहीं मिला। एक दिन का वाकया है, एक दरवाजे आवाज लगाई गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, सत्यनाम साहब बंदी छोर। तो पिंजरे में तोता बंद था, ऊपर टंगा था, तो तोते ने कहा रे भाई इधर आओ, क्या गुरु तुम्हारे बंदी छोर है? हां गुरु जी ने पहचान कराया। देखो तोता भी पहचान गया गुरु को, गुरु के वचनों को विश्वास करके पूछ रहा है क्या गुरु तुम्हारे बंदी छोर हैं? अगर बंदी छोर हैं तो मेरा संदेशा अपने गुरु से कह देना कि हमको लोगों ने जबरदस्ती पकड़ करके निपराध इस पिंजरे में बंद कर दिया, मेरा बंधन मुक्त कैसे होगा, मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कह रहा हां कह देंगे, लेकिन समझ नहीं पाया
तोता समझ रहा, जिसने गुरु को देखा भी नहीं कितनी दूर है, पिंजरे में बंद है। प्रेमियों, गुरु के यहां दूरी नजदीकी कुछ नहीं। जो वचनों पर टिका है, वचनों पर कुर्बान है, वो नजदीक दूरी का वो कोई प्रश्न नहीं होता है। तो जब शाम को पहुंचे तो गुरु ने पूछा, अरे भाई कोई मिला? कहा, हुजूर इंसान तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक तोता पिंजरे में बंद था, उसने जरूर पूछा, क्या गुरु तुम्हारे बंदी छोर है? तो मैंने कहा है। तो कहा, अपने गुरु से मेरा संदेशा कह देना कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, हमको तो जबरदस्ती लोगों ने पकड़ करके अकारण बेगुनाह निर्दोष एक पिंजरे में बंद कर दिया है। जैसे सुना गुरु ने फौरन युक्ति बता दी, जमीन पर धड़ाम से लेट गए, दोनों हाथ पैर फैला दिए। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची इशारा नहीं समझ रहा, वो समझता है, अरे गुरु जी तो बीमार हो गए, इनको घस मूर्छा आ गई। तो एक चेला आंख में छींटा मार रहा पानी का, दूसरा पंखा था। आधा घंटे के बाद जब गुरु जी ने आंख खोली, तभी नहीं पूछा कि गुरु जी आपने तोते के लिए कोई युक्ति बताई है या आप बीमारी आ गई, घस मूर्छा आपको आ गई, फिर मांगने खाने लगे। उन स्वार्थियों का निशाना ही धन दौलत खाना पीना होता, उनको परमार्थ से कोई मतलब नहीं होता। फिर घूमने टहलने लगे, जब दोबारा राउंड चक्कर उसी मकान का पड़ा, जब फिर वहां जाके आवाज लगाई तो तोता कह रहा, अरे भाई मेरा संदेशा कहा अपने गुरु से? तो चेले क्या करें, है चंदाल कहीं का, तेरा संदेशा का हमारे गुरु जी बेकार हो गए, क्या हो गया? तो जैसे मैंने तेरा संदेशा सुनाया, गुरु जी जमीन पर धड़ाम से गिर गए, हाथ पैरों को फैला दिया, तोता कह रहा, बस बस गुरु ने चुक्ति बता दी, हमको यही करना चाहिए। देखिए दूरी नजदीक की, बात है श्रद्धा की, बात है गुरु के वचनों को पकड़ की, बात है गुरु के आदेश पालन की, और बात है गुरु के वचनों पर कुर्बान होने की। और उसने तोते ने वही किया, पैर ऊपर के पीठ नीचे की, माणासन की स्थिति बनाई। जब वो खाना देने वाली आई, उसने खिड़की खोल के देखा, तोता मर गया, ऐसे पकड़ा फेंका तोता फट से मर गया, बंधन मुक्त हो गया। वहां नजदीकी दूरी कुछ नहीं है, आदेश पालन करने वाला कितनी दूर चला जाए। एक बार सत्संग के दौरान बाबा जी ने मथुरा में क्या कहा था कि अगर किसी प्रेमी का शरीर अगर बच्चा अमेरिका में छूट जाए, यही मथुरा से ही संभाल कर दी जाएगी। क्या हम तुम अमेरिका से दूर हो? क्या हम आप अमेरिका से दूर? हमारी आदमी संभाल नहीं होगी, तुमको विश्वास है नहीं गुरु पर। तो कहने का मतलब यह है, एक एक वचन को मानना कुर्बान होना ही भजन है, भक्ति है। और तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं, तुम्हारा क्या होगा? अपने कल्याण की सोचो, तुम्हारा क्या होगा? ये सब विचारणीय विषय है। महापुरुष हमेशा जीवों को जगाने का काम करते, वो सुलाने का काम, बहकाने का काम, बरमाने का काम, लोभ लालच में फंसाने का काम नहीं करती। उनके यहां प्योर परमार्थ कि परमार्थ कैसे बनेगा, आवाज लगा के पूरे हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने संदेशा दिया था, क्या कहा था कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं, राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की पाणी तू भूल गए, और चंद्रशेखर
आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए और गांधी जी का इस सत्य अहिंसा गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली ही मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, पदलोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, और गुरु राह बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली ही मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का, कलयुग में इस सतयुग लाने का उस संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने, और नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। उस यज्ञ मानो जागरण यज्ञ में आहुति काहे की देनी है कि कलयुग में सतयुग लाने का और संकल्प लिया है गुरुवर ने। नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। सब शाकाहारी ही बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। ये भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। दो ही रास्ते हमारे ज्ञान के, ज्ञानार्जन के दो रास्ते, धर्म की शिक्षा मंदिर भक्ति के द्वारा दे रही, और कर्म की शिक्षा विद्यालय स्कूल कॉलेज दे रही। लेकिन आज दोनों ही स्वार्थ में बदल गई, तो आगे सतयुग में व्यवस्था कैसी होगी कि देवालयों और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। देवालय और विद्यालय में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थ और परमार्थ बने, दीक्षा हो संत फकीरों की। होगा अखंड ये भारतीय फिर से, गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली ही मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सब में एक रूह है खुदा की है, सब में एक रूह ये खुदा की है। उम्मत भेद मिटाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली ही मानवता का
गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्यारा नाम। इस काम के लिए महापुरुष आते हैं। तुमने ना तो गुरु के काम को समझा और ना अपने धाम को समझा कि हमारा धाम कहां, घर कहां। गुरु उसी धाम को ले जाने पहुंचाने के लिए आया और आपको रास्ता दिया, युक्ति दी, लेकिन तुमने उनको जाना माना पहचाना नहीं। प्रेमी उत्साहों का ही हो गया। ये अव्यवस्था आपने फैलाई है, इसके जिम्मेदार आप सब लोग। ये है भारत देश, प्रजातंत्र में हर नागरिक का कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि जहां पर है वहां सच्चाई ईमानदारी से काम करें। केवल दो चीजें गई हैं, सच्चाई ईमानदारी, मेहनत परिश्रम। अगर वो दो चीजें आ जाए तो वर्षों अपनी जगह पर खुशहाली हो जाएगी। इसी को लाने के लिए गुरु ने दो ब्रह्मास्त्र तैयार किए थे। उन ब्रह्मास्त्रों को पूर्ण मान्यता प्राप्त करा के और सुरक्षित रखा है। कहा था ब्रह्मास्त्र कब चलेगा, जब ये राजनीति जिम्मेदार लोग सब अपने अपने कर्म कर्तव्य को भूल जाएंगे और ये कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी दूर करना मेरे बस की नहीं, टैक्सों की भरमार को रोकना मेरे बस की नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हिंसा ये मेरे बस की नहीं। तब बाबा जी ने कहा, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो जिन्होंने ब्रह्मास्त्र तैयार किए तुम कहते हो चले गए, क्या ब्रह्मास्त्र और कोई चला सकता, उठा सकता है? किसी को ब्रह्मास्त्र चलाना मालूम है? और दूसरा भूम जो तक दो ब्रह्मास्त्र, 90% भारत में कृषि, कृषि प्रधान देश, 90% काश्तकार, इनके पास, इनकी मुट्ठी में सबके प्राण हैं। प्रेमियों कलयुग में अन्न कोष में प्राण, बिना अन्न को कोई जिंदा नहीं रह सकता। रोटी की फैक्ट्री विश्व में कहीं नहीं बनी है, रोटी की फैक्ट्री इनके खेत है। जब तक भूम जो तक खुशहाल नहीं होगा। कहा था 10 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूम जो तक संगठन की जब आधारशिला रखी गई तब यही कहा था, ऐ भूमजोत को अगर तुम अपने झंडे को विश्वास के साथ पकड़ लिया तो जितने काले नीले पीले लाल हरे झंडे लिए घूम रहे ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। और ऐसा अगर ना करो तो बाबा जी को बहुत ही मत कहना। इतनी बड़ी आवाज इस महापुरुष की। लेकिन प्रेमियों, ब्रह्मास्त्र को छिपा के रखना उसकी जरूरत है, ये दोनों ब्रह्मास्त्र को छिपा के रखो। और ये जय गुरुदेव गुरु का झंडा है, गुरु का परिचय है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का काम है। इसलिए इस झंडे के सिवा अभी कोई धंधा निकालना नहीं, राज को खोलना नहीं, तुम अब अपराधी माने जाओगे। जो गुप्त राज है गुप्त रहने से, कुछ तुमको जवान से कहने की जरूरत है। यह है, यह सब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब आप तो पूर्ण शाकाहारी रहना, क्योंकि सदगुरु ने समय से एक ही आदेश फरमान जारी किया है, जो समय का है और कुदरत के प्रकोप को रोकने का है। क्या आदेश दिया था कि सतगुरु आदेश, सतगुरु आदेश हुआ जारी, सतगुरु आदेश की हुआ जारी, सब शाकाहारी बन जाओ। सतगुरु आदेश हुआ जारी, सब शाकाहारी बन जाओ।
तेरे पापों के इत होने को और गुरमानुष रूप बनाए हैं। अगर अभी समझना पाओगे फिर माफी कभी ना पाओगे, गरे अभी समझ न पाओगे फिर माफी कभी ना पाओगे। मानोते हैं दई प्रभु ने हर बार नहीं मिल पाएगी, गरे अब की भूल ही भई भारी फिर माफी कभी ना पाओगे। सतगुरु आदेश हुआ जारी सब शाकाहारी बन जाओ, तेरे पापों के इत होने को और गुरमानुष रूप बनाए हैं। गर अभी समझना पाओगे तो जन्म जन्म पछताओगे, गर अभी समझना पाओगे फिर जन्म जन्म पछताओगे। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। कलयुग जाए सतयुग आए संदेश अनोखा गुरुवर का, सुनते जाना सब नर नारी हम तुम्हें बताने आए हैं। कितनी बड़ी चीज है, महापुरुषों ने समय से संभाल के रखी थी लेकिन आपने उसके कोई गौर ख्याल नहीं किया, व्यवस्था बिगड़ गई। क्या कहा था, जो जो पाप किए तुमने सोचो ये माफ कैसे होंगे, जो जो पाप किए तुमने सोचो ये माफ कैसे होंगे, यदि गुरु शरण में आ जाओ। माफी और कहीं नहीं, किसी को अधिकार नहीं माफ करने का, यदि गुरु शरण में आ जाओ। सतगुरु आदेश हुआ जारी सब शाकाहारी बन जाओ, तेरे पापों के धोने को गुरु मानुष रूप बनाए हैं। अगर अभी समझना पाओगे फिर जन्म जन्म पछताओगे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों समय हो गया, क्योंकि अब प्रेमियों को धीरे धीरे निकलना है, तो मैं आधा घंटा पहले आपको छोड़ देता हूं। धीरे से जो संदेश छूट गया है आपके बिहार, इसी बिहार में गया जिले में होने जा रहा, तीन दिवसीय 27, 28, 29 वहां चल के सुन लो, आप वहां चल के सुन लो, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, क्योंकि जाओगे तो इधर ही से सब रास्ते में ही पड़ेगा। ये भी एक चलते चलाते लाभ आपको मिल रहा, लेना चाहो तो ले लो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। सेवा का अवसर मिला है, एक सेवा और चलते चलाते कर लो, ये समय चला जाएगा फिर मिलेगा। ये भी थोड़े दिन की आंधी है, आंधी के यहां मैं लूट लो लूट लो, मैं पछताओगे आप, ज्यादा पछताना पड़ेगा। इनको लूट लीजिए, आपके वास्ते गुरु प्रेरणा हो रही है, उनकी मौज मर्जी है, बगैर उनकी सत्ता के पत्ता नहीं हो सकता है। आप कभी कोई संकट संदेह मत लाओ, अपने काम के लगे रहो, भजन करते रहो। हमारी प्रार्थना सबसे यही है कि आप भजन में समय बढ़ा दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। आपको कुछ क्यों, सारी समस्याओं का समाधान ही भजन है। जब गरुड़ जी ने का भूषण से पूछा कि जब मानव का खान पान खराब हो जाए, जिसके कारण देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब खराब हो जाए और वो लड़ाई झगड़े में फंस जाए, बीमारी महामारियों में चला जाए, दैवी प्रकोप में घिर जाए, अकाल मौत दुर्घटनाओं में, तो बचने का कोई उपाय है कि नहीं है? का भूषण ने गरुड़ जी से कहा, उपाय तो है,
लेकिन गरुण जी कलयुग का जीव मानेगा? अरे कहा माने ना माने, आपको कहना चाहिए। मानने वाले मानेंगे, क्या सब कभी सब लोग मान गए थे? मानने वाले माने और बाकी धराशाई कर दिए गए, तब मान गए। जब दंड मिला तब मान गए। समझाने से समझ जाए वो बुद्धिमान है, वो इंसान है। और जो समझाने पर भी ना माने वो शैतान है। इंसान शैतान की यही परिभाषा है। तो कहा आप उपाय बताइए, क्या उपाय? उत्तर कांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया, गरुड़ जी के विशेष आग्रह पर काभूषण ने क्या कहा कि ऐसे दिन हारी भजन ठगेसा, मिट्टी है न जीवन के कलेसा। क्लेश माने दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा, इनको क्लेश कहती है। मानव जीवन में आने वाले संपूर्ण क्लेश सारे दुखों को दूर करने की एक ही दवा है, तुम भगवान का भजन करने लगो। और आपको गुरु ने पहले ही रास्ता दे दिया, अब तुम रास्ते पर न चलो तो क्या बिना चले ही मंजिल तय हो जाएगी? चलना तो पड़ेगा आपको। कहा था कुछ तुम करो, कुछ हम करें, कुछ मालिक की दया हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए, जो सब तरफ से तुम्हारे कल्याण के लिए तैयार और सतत प्रयत्नशील है, रातों दिन उसी समर्थ मालिक को तुम भूल गए हो, तुम्हारा बड़ा काम से होगा। इसलिए अब प्रेमियों मालिक से एक प्रार्थना करो, अगर तुमने जिनको जिनको अपना बनाया है वो तुम्हारे अपने नहीं निकले, सब तिराने पराए निकल गए, सबने धोखा दिया। अगर तुमने गुरु को अपना बनाया होता, चलो तुम नहीं बनाना जानते हो तो ये तो रो के कह सकते हो हमको बनाना नहीं आता, हमें आप अपना बना लीजिए, हम तो बिगड़े हैं, हम पापी कुकर्मी जीव, हम आपको कैसे पहचाने, कैसे अपना बना पाए? आपकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, आप हमको अपना बना लो। तो कम से कम कहो तो, अगर बच्चा आंसू न गिराए तो मां दूध कभी नहीं पिलाएगी, उसको पहचान भूख की है रोने की, रोता तब समझती कि भूखा है। तो आपको क्योंकि सत्य मत विरह मत है। मीरा ने पाया क्या? हंस के पाया था, आंसू गिरा के। और लिखा गया हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खेले फिर मिले तो कौन सुहागर हो, बिन रोए नहीं पाई हो साहब का दीदार। बिना बिरह का आंसू गिराए मालिक का दीदार कभी नहीं होता है। और यहां तो बड़ी खुशियां मनाई गई, वीआईपी भंडारे चलाए गए, खुशी इतनी, इन शैतानों को इतनी खुशी है कि गुरु की गौरव गरिमा नहीं समझी, कि गुरु विषय का, गुरु विनय का विषय, तलब का विषय है। और मीरा ने कह के पहले ही बता दिया है, लेकिन तुमने मीरा के वचनों को भी याद नहीं रखा। उसने कहा जब ही याद आती है प्रीतम की, नैनन बरसत पानी, रात रैन दिवस में नींद ना आवे और भावे अन्न न पानी, खोजत खोजत मिले संत सतगुर रहदास, जिन दियो नाम सहदानी, तब पिया पाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक सहदानी। कहा मैं बहुत तरपी, बहुत रोई, बहुत कलंक बदनामी, समाज परिवार जात की सही, लेकिन नहीं, जो असलियत को पा जाता है उस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसने चिल्ला के कह दिया, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सदगुरु दयाल दूसरा नहीं कोई। ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया प्रेमियों, इस तरह का ऐलान जब तुम्हारे जवान से निकलेगा तब तुम गुरु भक्ति, गुरु प्रेमी, गुरु आशिक कहलाओगे, इसके पहले तुम्हारा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तो कम से कम मालिक से फरियाद करना, अर्चना वंदना प्रार्थना, ये सब मालिक की करीबी हासिल कराती है। तो क्या कहना चाहिए?
अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे नीर बैसहारे तुम्हारे, रहूं जिससे नीर बैसहारे तुम्हारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, जगत में है समर्थ न कोई दिखाता, 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 बताओ तुम्ही किसके जाऊं दुआरे, 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 अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, ये माना कि सिर मेरे है पापों की गठरी, माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे है पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, मगर कौन बिन स्वामी तेरे उतारे, मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे, मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे, मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे, अब अपना अपना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है, 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 दया करके आबू तो लगा दो किनारे, दया करके अब तो लगा दो किनारे, दया करके अब तो लगा दो किनारे, दया करके अब तो लगा दो किनारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी,
अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, अगर अब की डूबी तो गफलत न मेरी, दयालु शरण मैं हूँ आया तुम्हारे, 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 अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निर्ल बैसहारे तुम्हारे, जिससे निर बैसहारे तुम्हारे, अभी श्वास अब की न डूबेगी नैया, 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 ये गुरुदेव पाते वार मेरी संहारे, ये गुरुदेव पाते वार मेरी संभाले, ये गुरुदेव पाते वार मेरी संहारे, ये गुरुदेव पाते वार मेरी संभाले, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, रहूं जिससे निरल बैसहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निरल बैसहारे तुम्हारे, जगत में है समर्थ न कोई दिखाता, जगत में समर्थ न कोई दिखाता, बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ प्रभु किसके जाऊं दुआरे, बताओ प्रभु किसके जाऊं दुआरे, हम अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, जय निकल कर तू मर जाएगा। जय गुरु।
खुशी